सो है एवरीवन, किसब सब। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं 1.5 किलो का एक स्टेप पे केक। एंड गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ इस केक को मैंने आसान तरीके से डिज़ाइन कैसे किया है। एंड गाइस, आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, इस केक को मैंने नाइफ से लेयर कर लिया है, 3 लेयर इस 1.5 किलो केक का। अभी गाइस, इसके अंदर मैं सिरप यूज़ करके इस केक को लेयर लगा लूँगा। एंड गाइस, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मैं स्पॉन्ज कैसे बनाता हूँ, उनको समझाओ स्पॉन्ज बनाना। तो गाइस, वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, मैं कैसे स्पॉन्ज बनाता हूँ वो तो अलग बात है, आप कैसे स्पॉन्ज बना सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि गाइस, मैं बेकरी लाइन पे काम करता हूँ, यहाँ पे गाइस 15-20 की केजी का जो स्पॉन्ज है वो एक ही साथ पे मिक्सिंग पे बीट करते हैं एंड उसको हम ओवन पे डालते हैं। तो गाइस, वो अलग बात है बेकरी लाइन पे कैसे स्पॉन्ज बनाया जाता है, मैं आपको ये बताऊंगा होम बेकर पे आप स्पॉन्ज कैसे बना सकते हो। तो गाइस, जैसे कि इस केक को लेयर लगाने के बाद वाइट क्रीम पे मैंने येलो कलर लिक्विड यूज़ किया है। तो गाइस, अभी मैं इसको और भी थोड़ा ज़्यादा कलर करूँगा, क्योंकि गाइस ये जो हल्दी सेरेमनी का केक था तो वो केक मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ प्रॉपर येलो कलर का। तो गाइस, जैसे कि अभी इसी येलो कलर क्रीम से मैं ये 1.5 किलो का जो केक है इसको आइसिंग कर लूँगा। एंड गाइस, इसमें जो भी डिज़ाइन होने वाला है वो येलो कलर पे ही होने वाला है, क्योंकि गाइस ये जो केक था ये हल्दी सेरेमनी का केक था। आप चाहो तो इस तरीके की डिज़ाइन दूसरे क्रीम से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने येलो कलर यूज़ किया है, वहाँ पे आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस, इस केक को बनाने का मकसद ये है, इसका जो भी डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आप चाहो तो इसी तरीके के डिज़ाइन से और भी दूसरे कलर पे केक बना सकते हो अपने हिसाब से कलर चूज़ करके। क्योंकि गाइस, अगेन बोल रहा हूँ, ये हल्दी सेरेमनी का केक था, इसलिए गाइस मैंने प्रॉपर येलो कलर पे इसको डिज़ाइन किया है। आइसिंग जो भी इसको इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ वो प्रॉपर येलो कलर ही होगा। तो गाइस, इस केक को आइसिंग कर लेने बाद मैं बोर्ड पे तो उठा लूँगा, उसके बाद गाइस इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। एंड गाइस, अभी वही येलो कलर से मैं एक पाइपिंग बना लूँगा, हाफ पाइपिंग जो मैं अक्सर बटर पेपर से बनाता हूँ वही। तो गाइस, और थोड़ा क्रीम मैंने ऐड कर लिया, ताकि गाइस क्रीम थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने और भी थोड़ा क्रीम ऐड कर लिया था। अभी गाइस, यहाँ से थोड़ा क्रीम लेकर मैं एक पाइपिंग बना लूँगा, जिससे कि मैं इस केक की साइड की ओर डिज़ाइन करूँ। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो है विदाउट नोजल, बस मैं इसको पाइपिंग को प्लेन कट कर लूँगा। एंड गाइस, इसको मैं साइड की ओर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दूँगा। एंड गाइस, आप देख सकते हो इस डिज़ाइन को मैं कैसे कर रहा हूँ, बस हाथों से प्रेशर करके बस अप डाउन कर रहा हूँ एंड इस केक की साइड की ओर ये डिज़ाइन बन रहा है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो डिज़ाइन है ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डिज़ाइन है, क्योंकि गाइस मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस डिज़ाइन को बना लेता हूँ। तो गाइस, चलो मैं इसी तरीके से इस पूरे साइड को इसी डिज़ाइन से कवर कर लूँगा। एंड गाइस, इस केक को डिज़ाइन करने के लिए हमको लेना होगा येलो कलर क्रीम एंड ये वाला नोजल। इसी नोजल से हम इस केक के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। एंड गाइस, ये जो नोजल है ये नॉर्मल नोजल है, आप अगर डाइस का सेट लाते हो नोजल का तो उसमें आपको ये नोजल मिल ही जाएगा। एंड गाइस, आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से ये नोजल मंगवा सकते हो, ये बहुत यूज़फुल नोजल है। तो गाइस, अभी हम इस नोजल से इस केक की साइड की ओर डिज़ाइन करेंगे कुछ इसी तरीके से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, बस मैं प्रेशर करके ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, यानी ये जो डिज़ाइन है इसको मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, पहले तो मैं एक लाइन ये डिज़ाइन कर दूंगा, यानी इसके ऊपर मतलब इन साइड मैं अगेन और एक लाइन बनाऊँगा, ऐसे करके मैं 3 लाइन इस पर बनाऊँगा, ताकि गाइस इसका जो भी लुक है केक के ऊपर वो लाइक सनफ्लावर जैसा बन जाए। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, इनसाइड में अगेन कर रहा हूँ। तो गाइस, उसी तरीके से मैं अगेन 3 लाइन मतलब आप कह सकते हो ये डिज़ाइन हम बनाएंगे इस केक के ऊपर। आप चाहते हो तो अपने हिसाब से 2 लाइन अगर सही रहे तो 2 लाइन से भी बना सकते हो, लेकिन गाइस केक बहुत बड़ा है इसलिए मैं चाहता हूँ इसके अंदर 3 लाइन इस तरीके से डिज़ाइन करूँ। तो गाइस, डिज़ाइन तो बन गया है, अभी हम 44 फ्लावर नोजल से फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने येलो कलर क्रीम पैक कर लिया है। अभी गाइस, कुछ इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, नोजल को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ,
लाइक कुछ इसी तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे। एंड गाइस आप अगर फ्लावर बनाना सीखना चाहते हो और भी डिटेल्सली, तो गाइस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। शायद एक महीना पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने बेसिक फ्लावर का जो होता है वो मैंने आपको समझाया था कि वो आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस पहले मैंने रोज़ बनाया था एंड इसके बाद दो राउंड फ्लावर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि गाइस आप देख सकते हो। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ये फ्लावर आप अगर बनाना चाहते हो तो गाइस आपको स्टैंड प्रॉपर घुमाना आना चाहिए। अगर स्टैंड प्रॉपर घुमाना आता है तो गाइस आप ये जो फ्लावर है इसको प्रॉपरली हैंड से बना सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैंने ये फ्लावर भी बना लिया है, अभी हम मतलब ये छोटा छोटा फ्लावर मैंने दे दिया। अभी गाइस इस फ्लावर का पत्ता बनाएंगे एंड पत्ता बनाने से पहले ये 44 फ्लावर नोजल से इस केक की साइड की ओर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे कि गाइस मैं ऊपर जैसे किया था प्रेशर करके ऊपर की ओर पुश किया था तो ये डिज़ाइन बना था, उसी तरीके से ये फ्लावर नोजल से भी मैं नीचे की ओर डिज़ाइन कर दे रहा हूँ। तो गाइस अभी हम पत्ता बनाएंगे जो मैंने फ्लावर दिया है उसका। तो गाइस आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर क्रीम यूज़ कर सकते हो, हालांकि मैंने वाइट कलर यूज़ किया है क्योंकि गाइस ये हल्दी सेरेमनी का केक था, इसलिए गाइस मैं इसमें ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना चाहता। तो गाइस जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से ये जो केक बना रहा हूँ इसका भी जो पत्ता है वो भी मैंने दे दिया है। अभी इसके ऊपर सिल्वर जो स्प्रे है वो मैं यूज़ करूँगा ताकि गाइस इसका जो ग्लेज है थोड़ा अलग हो एंड काफ़ी अच्छा लगे। एंड गाइस अभी मैं रेड जो स्प्रे होता है फ्लावर का वो मैं फ्लावर के बीचों बीच यूज़ कर दिया हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइस आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। सो गाइस वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द।